The Making of a Scientist, Chapter 6 of Footprints Without Feet. Making of the Scientist basically ये chapter है एक लड़के का जो अपनी मदर के साथ रहता है बेटा बचपन से, और किस तरह उसकी मम्मी उसके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाती है और वो कैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। पर इस चैप्टर में लर्निंग इस चीज की है कि अगर किसी को साइंटिस्ट बनना हो तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उस बच्चे में होनी चाहिए, या एक साइंटिस्ट में ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हेल्प करती है उसको साइंटिस्ट बनने में। सो रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेरिल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्केरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. So, ये बच्चा इतना fascinated होता है, okay? इतना fascinated होता है butterflies के ऊपर, और उसके ऊपर ये छोटे-छोटे experiments शुरू करता है, और इसकी मदद कौन करता है, और कैसे ये एक scientist बन जाता है, ये हम इस chapter में जानेंगे, okay? So how did a book become a turning point in Richard Ebright's life? तो ये जो बच्चा होता है ना, इसकी मदर इसको एक बुक लेकर आती है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो जब वो बुक उसको वो देती है और वो क्यों इतना रीडिंग करता है, एक्चुअली वो जिस जगह पे रहते हैं ना वहां उसके पास कोई बच्चे नहीं होते हैं खेलने के लिए, तो वो कभी कुछ चीजें कलेक्ट करता है, कभी कोई चीज कलेक्ट करता है, और फिर उसकी मदर जब उसको देखती है ये सब करते हुए, तो वो एक बहुत ही बढ़िया उसके इंटरेस्ट को और क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए एक बुक लाके देती है ताकि उसको थोड़ा सा कंटेंटेड फील हो। तो चलिए देखते हैं कि इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ और कैसे ये एक साइंटिस्ट बना। एट द एज ऑफ 22, हम बात कर रहे हैं अब 22 ईयर्स की, अभी हम उसके बचपन में नहीं गए हैं। अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो इसने सब लोगों को अचंभित कर दिया था कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो इन दोनों ने एक आर्टिकल लिखा था, इसने और इसके रूममेट ने, ठीक है, और उससे सब लोग हैरान हो गए थे और इतना अच्छा उन्होंने सेल वर्क पे काम दिखाया था पूरा। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. और ये एक बहुत ही standard की scientific journal थी। ये ऐसे किसी का work नहीं छापती थी। तो पहली बार उसने किसी college students का work छापा था। इसका मतलब कि वो बहुत ही काबिले तारीफ work था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. To aap usko compare kar sakte ho ki jis tarah sports mein big leagues hoti hain ki 15 saal mein ya aapne apne pehle game mein home run maar liya ho. Home run is basically a game hoti hai, I think baseball, usme agar aap home run maar dete ho pehli baar aap aaye और फर्स्ट टाइम बैट करते हुए, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी बात थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और रिचर्ड जो था उसके लिए एक स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स में ये भी एक चीज थी, और ये सारी चीजें एक एक करके ये जो अचीवमेंट्स और ये अवार्ड्स जो ये लड़का लेता रहा, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज की वजह से। एन ओनली चाइल्ड, वो एक लौता बेटा था। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसिल्वेनिया, वो पेनिनसिल्वेनिया में रहता था, ठीक है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, तो वहां पर ज्यादा कुछ करने को था नहीं। ही सेड आई सडनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और वो वहां पे अकेला बच्चा था, ना तो वो फुटबॉल अकेले खेल पा रहा था और ना ही वो बेसबॉल खेल रहा था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। और अकेले बच्चा कैसे टाइम पास करता था, वो कुछ चीजें कलेक्ट करता था। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, हमेशा वो यही करता था। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन मतलब जब आप नर्सरी
या KG1 KG2 प्रेप में होते हो तो उसको किंडरगार्टन बोलते हैं. Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. तो ये लड़का बहुत ही determination के साथ चीजें करता था और उसी तरह उसने butterflies collect की, छोटे छोटे पत्थर, कोई उसको fossil मिल गया, कोई कीड़ा वीड़ा मरा हुआ या coins मिल गए, कोई भी चीजें वो collect करता था. He became an eager astronomer too. Sometimes stargazing all night. और वो कई बार उसकी मदर ने उसको एक टेलीस्कोप भी लाके दिया है ना, और वो पूरा टाइम देखता रहता था, पूरा का पूरा टाइम वो स्टार्स रात भर देख के टाइम पास करता था. अब देखो नीचे इन्होंने होम रन के बारे में बताया है. A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Home run ऐसा होता है कि अगर चार उसमें लाइन होती है, अगर आपने बैटिंग किया, जैसे क्रिकेट में आपको दो जन खड़े होते हैं ना, वैसे इसमें चार एक साथ खड़े होते हैं, तो आप बैटिंग कर रहे हो तो आप अगर सारा राउंड दौड़ के वापस बैटिंग पे आ जाते हो तो वो भी होम रन होता है. या आपने डायरेक्ट ही एक बोर्ड हमने भी लगा रखा था जब मैं खेलती थी बचपन में, तो अगर आपने डायरेक्ट छक्का मार दिया तो उसको होम रन बोलते हैं आप बेसबॉल में, ऐसा समझ सकते हो. ठीक है, so I've played this game with my brother. It's always good to have an elder brother. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. तो एक तो उस वो बहुत ही intelligent था और दूसरा curiosity बहुत थी उसको, चीजें जानने की इच्छा शक्ति भी उसमें बहुत ज़्यादा थी. He also had a mother who encouraged his interest in learning. अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, चीजें जानने की इच्छा होता है, तो माँ बोलती है अरे भागो यहाँ से, सर मत खाओ, चलो उधर किसी और से पूछो. तो ऐसी भी फैमिलीज में होता है, बट यहाँ पे वो बहुत लकी था कि उसकी जो मदर थी ना वो भी उसके इंटरेस्ट को बहुत एनकरेज करती थी. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट and helped him in many other ways. तो उसकी मदर उसके इस इंटरेस्ट को बहुत ग्रो करने में हेल्प करती है. माउंटिंग मटेरियल्स का मतलब है कैमरा लगाने के लिए आपको जो ट्राइपॉड वगैरह चाहिए, कैमरा जहाँ सेट करना है, कोई भी इस तरह की चीजें भी खरीदती थी, उसको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसको टेलीस्कोप दिलाया, माइक्रोस्कोप दिलाया, दुनिया भर की चीजें उसको दिलाई. I was his only companion until he started school. और उसकी मदर ही उसकी अकेली कंपेनियन थी. इससे हमें यह पता चलता है कि उसके फादर साथ में नहीं थे. His mother said, उसकी मदर ने बताया, After that, I would bring home friends for him. और फिर जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके फ्रेंड्स बनने लगे. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर. मगर रात को मम्मी और वो साथ में चीजें करते हैं. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. और जब Richie class 3 में था, third grade का मतलब, तो उसके father की death हो गई. तो उसके बाद तो mother बोलती है कि मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ Richie बन गया. She and her son spent almost every evening at the dining room table. और रोज वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते थे और उनकी शामें वहीं बीतती थी. इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. और जब वो कहता है कभी कि मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो वो उसके दिमाग के हिसाब से उसको काम देती थी, फिजिकल वर्क नहीं देती थी, जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े, वो कुछ पढ़े. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न. और सबसे खास बात इस बच्चे की क्या थी कि वो पसंद करता था इन चीजों को, एंड ही वॉज रेडी टू लर्न, और वो चाहता था सीखना. एंड लर्न ही डिड, और वो सीखता भी था. ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. रोजमर्रा की चीजों में वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा ही था, मगर पढ़ाई वगैरह में वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लाता था. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो आप ये समझ लो कि 25 different तरह की उसने butterflies collect कर ली थी जब वो class 2 में था. Amazing.
बहुत ही बढ़िया. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. तो अब इसमें क्या हुआ कि 25 तरह की जितनी भी उसके होम टाउन में स्पीशीज मिल सकती थी उसने सब कलेक्ट कर ली क्लास 2 तक. और वो लड़का बोलता है बच्चा कि उसके बाद शायद मेरा इंटरेस्ट या बटरफ्लाई कलेक्शन खत्म हो जाता, बट उसी वक्त मेरी मदर ने मुझे एक चिल्ड्रंस बुक दी जो बटरफ्लाईज के ऊपर थी और उसका था नाम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. तो ये बेसिकली था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो कहाँ कहाँ घूमती है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और बहुत सारी चीजें उसके बारे में थी. तो उसकी वजह से उसकी वहां पर खोज रुकी नहीं. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका opened the world of science to the eager young collector. और उसने एक नई साइंस की दुनिया अपने बच्चे के लिए उस किताब ने खोल दी, उस बच्चे के लिए जो बहुत ही ईगर था, जो जानने का इच्छुक भी था. और ये बड़ी खास बात है इस बुक में, यहाँ पे एक डॉक्टर, मतलब वो भी एक साइंटिस्ट थे टोरंटो के, उन्होंने पीछे कुछ चीजें लिखी थी कि आप ऐसा करो आप ऐसा करो. तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. So, जितने भी readers थे जो उस किताब को पढ़े, उनसे उन्होंने बोला था कि आप भी migration के बारे में हमें help करें. तो जो भी readers पढ़ते थे, उन्होंने उनको बोला गया था, they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Yucott of the University of Toronto, Canada. उन्होंने बोला कि आप जितनी भी बटरफ्लाईज है ना, आप उसको टैग कर दो. टैग मतलब आप उसको पकड़ो और उसमें एक छोटी सी पर्ची चिपका दो, तो हमें पता चलेगा कि वो जो आपने पर्ची चिपकाई है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो उड़कर जब माइग्रेट करेगी या कहीं और जाएगी तो वो किसको मिलेगी. मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल चीज है ये. तो एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर और कॉट and soon Ebright was attaching light adhesive tags, chote chote light, bilkul halke halke tags lagane lag gaya, to the wings of monarchs. To jitne monarch butterfly usko wahan mili, usne un sab mein tag lagana shuru kar diya, jaisa ki kitab mein likha tha, aur uski mother ne letter bhi lik diya us scientist ko. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Orcutt. To unhone bola ki ab आपने टैग लगा दिया, अब वो बटरफ्लाई उड़के जहां पर भी जाती है या आपके पास कोई और बटरफ्लाई उड़के आती है जिसमें टैग लगाओ, तो आपको वो टैग निकाल के, अगर आपको टैग वाली बटरफ्लाई मिलती है तो वो टैग निकाल के आपको भेजना है किसको, डॉक्टर ओरकॉट को. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. तो 6 हफ्तों का टाइम है लेट समर में, उस टाइम पे बटरफ्लाईज जो हैं आपको ज्यादा से ज्यादा आप कलेक्ट कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी. अगर आप एक एक को पकड़ने लगोगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए उनको पकड़ना. तो नेक्स्ट क्या करूं मैं, कैसे एक एक को नहीं पकड़े. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज. तो अब उसने क्या करना शुरू किया, उसने खुद उन्हें पालना शुरू किया. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो अब imagine करो, उसको monarch butterfly पे ये एक अपना करना था test experiment. तो उसने सोचा अगर मैं एक एक monarch butterfly को पकड़ूंगा तो बहुत time लगेगा. तो उसने एक monarch butterfly को पकड़ा और फिर उसके eggs लेके वो सारी butterflies को वो raise करता है, उनको पालना शुरू करता है. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. और फिर जब वो बच्चे बड़े हो गए तो वो सबको टैग कर देता है. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और बहुत सारी butterflies जब वो raise कर रहा है तो कोई जो है egg state में है, कोई caterpillar stage में है, कोई pupa में है, कोई adult बन के उड़ रही है. तो बहुत सालों तक अलग अलग स्टेज में वो भरा रहता था उसका जो बेसमेंट था, ठीक है.
तो आप देखो ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहे हैं. इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. और फिर बच्चा थकने लग गया सालों तक करने के बाद. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था और उसको फीडबैक बहुत कम मिल रहा था. एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, और हंसता है, बोलता है इतने साल जो मैंने किया आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड. सिर्फ दो बटरफ्लाइज को ही लोग रिकैप्चर कर पाए किसी और जगह, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव. तो बोलता है कि मैं, आप बहुत हंसोगे इस बात पर, और खुद भी हंसता है, बोलता है कि सिर्फ दो बटरफ्लाइज मैंने, इतनी बटरफ्लाइज टैग करके भेजी, उनको रेस किया, मगर दो को ही लोग पकड़ पाए वापस, और वो भी मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 75 किलोमीटर दूर ही थी. तो इस चीज से वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया था क्योंकि मुझे बहुत कम फीडबैक मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लूज किया. फिर वो बोलता है देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट. देखो बेटा, हारना, फेल होना, क्यों बोलते हैं फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस. तो ऐसा ही इस साइंटिस्ट की जिंदगी में हुआ. इसने सेवेंथ ग्रेड में एक साइंस फेयर में पार्ट लिया, और आप सोचो इसके जैसा बच्चा हार गया. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. और बहुत लोग कुछ ना कुछ जीते थे और सिर्फ मैं ही एक था जो कुछ नहीं जीता था. एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, और उसने ना फ्रॉग टिश्यूज दिखाए थे, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. उसने ये फ्रॉग टिश्यूज दिखाए थे माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये टिश्यूज हैं, इस तरह से टिश्यूज होते हैं फ्रॉग के. और फिर उसने रियलाइज किया कि मैं क्यों हार गया. ही रियलाइज्ड The winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तब उसको ये बात समझ में आई कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे real experiments दिखाने पड़ेंगे. सिर्फ एक neat display करके दिखाना कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं चलेगा. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment. अब सोचो, हारते ही उसने next year के fair में जीतने का plan बनाना शुरू किया. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और सबसे ज्यादा उसको क्या काम उसने किया था? उसने work किया था अपनी butterfly पे. Butterfly is an insect. तो उसने दिमाग लगाया कि मुझे सबसे ज्यादा बटरफ्लाइज का ही आइडिया है. अब उसने क्या किया? सो ही रोट टू डॉक्टर ओर्कार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. अब यहाँ पे नहीं कि आपने किसी टीचर से कुछ पूछा और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ उस बच्चे के साथ. उसने जब उनको भेजा कि ऐसा मैं करना चाहता हूँ और ये चीजें हैं, तो उन्होंने दुनिया भर के सजेशंस उनको भेजे कि बेटा तुम ये सब कर सकते हो. और उसको ये भी बोला, दोस केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. सिर्फ छोटे मोटे साइंस फेयर्स नहीं, बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी उसको जिताया जो उन्होंने सजेशंस उसको भेजे, और उसने उस पर काम किया. For his eighth grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में ये जानना चाहा कि ये मोनार बटरफ्लाई एक वायरल डिजीज से मरती है, तो वो साबित करना चाहता था कि ये क्या है. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. उसको ऐसा लगा कि बीटल जो है ना वो ये डिजीज कैरी करती है, मगर ऐसा था नहीं. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो उसने बीटल्स रखे और कैटरपिलर साथ में रेज किए, ये देखने के लिए कि बीटल्स से उसको बीमारी होती है कि नहीं. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स.
he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. Aur is baar wo jeet gaya. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. Aur fir usne ek aur cheez pe experiment kiya. जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं, वो मनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, और वो ऐसा क्यों करती है? इसका रीजन है। The theory was that viceroys look like monarchs. एक तो वाइसरॉयज जो हैं, वो थोड़ी-थोड़ी मनार्क के जैसे दिखती हैं, ठीक है? और मनार्क बटरफ्लाईज जो है ना, उनको चिड़िया नहीं खाती है, बर्ड्स को उनका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो अगर वाइसरॉयज बिहेव करेंगी मोनार्क की तरह तो चिड़िया उनको नहीं खाएंगी। तो सोचो, एक छोटे से एनिमल इंसेक्ट ने भी दिमाग लगाया हुआ है। सो वाइज रॉयस ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो दो बटरफ्लाई है हमारे पास, एक वाइज रॉय है और एक मोनार्क है। मोनार्क का टेस्ट जो है बर्ड्स को पसंद नहीं है और वाइसरॉय फेवरेट है। मगर अगर मोनार्क बिल्कुल वाइसरॉय के जैसे बिहेव करती है तो बर्ड्स उसको नहीं खाएंगी, क्योंकि उन्हें मोनार्क पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो कॉपी करती हैं। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। बल्कि अब वो ये दिखाना चाहता था अपने एक्सपेरिमेंट में कि अगर वाइज रॉय मोनार्क के जैसे बिहेव, मतलब कॉपी करती हैं और दोनों एक जैसी लगती है, तो क्या मोनार्क को खाने लगती हैं बर्ड्स? He found that a starling would not eat ordinary bird food. तो उसको एक बर्ड के बारे में पता चला जिसका नाम था स्टारलिंग। वो नॉर्मल बर्ड फूड खाती नहीं थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। और उसका फेवरेट फूड था मोनार्क्स। Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो इससे उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि viceroy copy करती है monarch को, बिल्कुल ये तो उन्होंने साबित किया और उसको काफी prize भी मिला। First आया वो zoology division में और third आया county के science fair में। मगर हाँ, जो दूसरी बात है वो स्टारलिंग जो है एक बर्ड, वो तो नॉर्मल बर्ड फूड खाती ही नहीं है, तो वो मोनार्क खाती है, ये एक अलग चीज उसको और पता चली। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो इस इंसान ने की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? वो actually ये experiment करता है कि जो butterfly के ऊपर 12 golden spots होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो उसको वो लोग बोलते थे वो ornamental है, मतलब वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए है। मगर जब ये एक्सपेरिमेंट करता है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत खोज निकालता है इसमें से। देखिए लिखा है, everyone assumed the spots were just ornamental। सबको लगता था कि ये खूबसूरती के लिए है, ये जो 12 स्पॉट्स होते हैं। Ebright said, but Dr. Orcutt didn't believe it। Orcutt का मानना था कि ये सच नहीं है। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और ये लोग जो इनके डॉक्टर कार्ट थे ना, वो बोलते थे कि ये सच नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, सिर्फ ornamental नहीं है ये spots. तो अब ये दो बच्चे जो थे, इनको बहुत मेहनत करनी थी और इनको प्रूव करना था कि उसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं, और वो हार्मोन अगर सीक्रेट होगा तो ही प्रॉपर और फुल डेवलपमेंट होता है बटरफ्लाई का। और ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। वो जो काउंटी फेयर में थर्ड आया था,
जब उसने ये हार्मोन वाली चीज प्रूव की तो वो फर्स्ट आया एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. ये एक ऐसी जगह थी जहां पे रिसर्च करने के लिए अलाउड नहीं होते थे लोग, मगर इसको चांस मिला कि ये समर में उस जगह जाके अपनी रिसर्च कर सकता है. अमेजिंग. एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. That year, his project won first place at the international fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. और वो फिर जीतता है और उसको फिर दोबारा गर्मियों में अलाउ किया जाता है. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales. Only if they were fed the hormone from the gold spots. और अब इसने ये बहुत important चीज़ है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे. इसमें इसने क्या बोला? अब जब ये high school में आया तो इसने एक और step ऊपर लिया, ठीक है? Next step में इसने क्या किया? इसने cells को culture में रखा और उन cells को इसने show किया कि वो जब hormone निकालता है golden spots से और इनको देता है तभी ये डेवलप होते हैं. और इसने प्रूव किया कि अगर ये हार्मोन गोल्ड स्पॉट से हम इन सेल्स को देंगे तभी नॉर्मल बटरफ्लाई विंग उगेगा प्रॉपरली. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी Tree of the U.S. Department of Agriculture. और इसने आगे अपना काम करता रहा, experiments करता रहा. तो अब ये class 4 minutes में खत्म होने वाली है. तो उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? Are you clear? Yes, ma'am. अच्छे से समझ में आ रहा है. इसमें हमें काफी सारे नोट्स चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं जो मैं आपको लिख कर दूंगी, जो आपको सिर्फ उतनी ही याद करनी पड़ेगी. ठीक है, इसको अच्छे से समझो कि इस बच्चे ने कैसे कैसे ये किया है. आई थिंक हमें पार्ट वन यहीं तक करना चाहिए और नेक्स्ट अब हमको 2 पेज ही बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए या अभी खत्म कर दूं? हाँ, समझ में आ रहा है? यस मैम, कर दीजिए. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और उसने अपना फर्दर उस हार्मोन पे काम किया. यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इतनी अच्छी लेबोरेटरी में जो इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यूज कर पाया. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर पाता है. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structures of hormone. और जब वो chemical structure of hormones की देख रहा होता है, तब उसको एक और idea आता है cell की life के बारे में. When he saw those photos, Ebright didn't shout, "Eureka!" or even "I have got it." But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. अब जैसे आप एक सेल हो, आप अपने मम्मी की तरह दिखते हो या कोई आदत आपकी पापा की तरह दिखती है, तो ये बायोलॉजी में उस वक्त एक पजल थी. तो इसने प्रूव किया था कि सेल कैसे रीड कर सकता है ब्लूप्रिंट डीएनए का.
ये पजल सॉल्व कर पाया. डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर डीएनए होता है. दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हमें हेरिडिटी को कंट्रोल करता है कि हम अपने मम्मी के जैसे हैं, पापा के जैसे हैं, या कीड़े मकोड़े अपने फादर और मदर के जैसे हैं. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और सेल किस तरह काम करेगा, किस तरह का दिखेगा. दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, और डीएनए ब्लू प्रिंट है लाइफ. ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, और ये उसका कॉलेज का रूममेट है, इसका नाम था जेम्स आर वोंग. वर्क ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. और इन लोगों ने प्लास्टिक के बहुत सारे मॉडल्स बनाए और रात भर ड्रॉइंग कर करके ये चीज प्रूव की. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, और फिर उन्होंने अपना थीसिस या पेपर लिखा कि किस तरह से ये पॉसिबल होता है. सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स